तेरे सूट करे सारे रे कलर वावली तेरे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, आज के ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। और चलो आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी नीचे जा रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस, अभी यहाँ पर एक दुकान पे खड़े हुए हैं और गाड़ी में हवा कम है, तो गाड़ी में हवा डलवा लेते हैं। पहले चेक कराएंगे, उसके बाद हवा डलवा लेते हैं, क्योंकि आगे टायर में भी हवा कम है और पिछला टायर में भी हवा कम है। तो यहाँ पर पहले चेक करा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पर चेक अभी हमने बाइक में हवा डलवा लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊर्जा शिक्षक पार्क, जो करीबन यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर होगा। तो अभी हम लोग हैं कबीरधाम कलेक्ट्रेट रोड पर, तो आगे से हमको राइट लेना है। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये है सीधा मझगांव रोड पर हमको जाना होगा, तो यहाँ से हम लोगों को राइट ले लेते हैं इधर। तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं गाइस के कवर्धा के राजा योगेश्वर राज सिंह के महल के सामने का गेट है ये। तो अभी तो ये हम लोग पहुंच गए गाइस ऊर्जा शिक्षा उद्यान सगुना कवर्धा, यहाँ सामने का गेट है ये। और यहाँ पर गाइस टिकट काउंटर है, यहाँ पर पर्सन 10 रुपीज़ लिया जाता है। तो गाइस, अभी हमने टिकट ले लिया है और हम 3 लोगों का 30 रुपये चार्ज लिया है गाइस। और अभी हम पार्क के अंदर आ गए हैं और सर लोग घूम रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हो अभी हम लोग आ गए हैं ऊर्जा शिक्षा पार्क उद्यान, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है कवर्धा में। तो इसी गार्डन पे अभी आए हुए हैं और मेरे साथ देख सकते हो सर है और राम भाई है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ आने के बाद, काफ़ी साफ़ सफाई है, क्लीन है यहाँ पर। और क्राउड की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल खाली रहता है। अभी कहा जाए कोरोना के वजह से अभी बिल्कुल लोग नहीं आ रहे हैं, अभी अपने अपने घरों में हैं। लेकिन हम लोग अभी बहुत दिन में आए हैं तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी काफ़ी इंजॉयफुल होने वाला है ये व्लॉग। तो देख सकते हो आप लोग, काफ़ी हरा भरा है गाइस, काफ़ी हरियाली है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स के प्लांट भी लगाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। और शाम के समय तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी हम लोग।
गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है और काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पर। आप लोग यहाँ रिलैक्स हो सकते हो आके और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भीड़ की बात करें तो बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है, कुछ कुछ लोग आए हुए हैं। और सो गाइस अभी हम लोग झूला झूलने जा रहे हैं, तो आए हैं तो झूले के भी मज़ा ले लेते हैं। तो उधर ही जा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो संगीत में फुहारा। दिन शुक्रवार एवं रविवार, समय ग्रीष्मकाल एवं शाम 7 से 7:30 तक एवं शीतकाल में शाम 6 से 6:30 तक यहाँ पर ये चलता है। और ये है म्यूजिक फुहारा जो कि अभी बंद पड़ा है गाइस, ख़राब हो चुका है देख सकते हो। ये नाइट में काफ़ी खूबसूरत लगता है और काफ़ी म्यूजिक इसका सिस्टम काफ़ी अच्छा था पहले, एक बार आया था मैं। और इधर आपको बैठ के आराम से देख सकते थे, देखने बैठने के लिए भी बनाए हैं इधर। और इधर प्यारा सा म्यूजिक फुहारा, तो यहाँ पर आप लोग बैठ के आराम से म्यूजिक फुहारा का आनंद ले सकते थे, पहले ले सकते थे। ख़राब है, पता नहीं कब तक बनाएंगे इसको, काफ़ी दिन हो गया इसको ख़राब हुए। तो गाइस झूला तो झूले, काफ़ी मज़ा आया और अभी फिर से एक राउंड मार रहे हैं। तो इसके बाद सीधा चलेंगे रूम, तो एक राउंड ऐसे चलते हैं उसके बाद सीधा चलेंगे, काफ़ी शाम भी हो गया है। तो गाइस अब मेरे को लग रहा है प्यास, तो मैं यहाँ पर पानी पीने आया हूँ। तो यहाँ पर वाटर टैंक भी लगाया हुआ है, अब यहाँ पर पानी भाई साहब पहले पी रहे हैं उसके बाद मैं पीऊँगा। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पर। और इधर पेंट के डब्बा को रख दिए हैं, इधर मोटर के स्टार्टर है। पानी तो पी लिया हूँ बट यहाँ का पानी का टेस्ट थोड़ा हल्करेंट है, कुछ अलग ही तरह का। इसका मैं अभी आप लोगों को एक अजीब सा चीज़ दिखा रहा हूँ, कमेंट करके नीचे में बताना क्या चीज़ है, मुझे तो पता नहीं लेकिन आप लोगों को पता होगा तो बताना। तो काफ़ी ऊपर तक है पौधा और ये इसका फल है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फल। एक बार तोड़ के देखता हूँ, देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा तो। इसे देख सकते हो पीछे का फ्लावर काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी खिला हुआ है अभी। और इधर सब तरफ फ़ोटो खिंचा रहे हैं भाई लोग और काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पर। शाम के टाइम के तो यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है इवनिंग को, और इवनिंग में ही ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि ये शाम को 4 बजे चालू हो जाता है और वही शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो A few moments later. गाइस काफ़ी घूम लिए, काफ़ी इंजॉय कर लिए, मस्ती कर लिए, अब शाम हो चुका है गाइस और बंद भी होने वाला है। तो अब हम रूम जाएंगे क्योंकि शाम भी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया हमको आए हुए, करीबन 2 घंटा से ज़्यादा हो गया है। तो अब जा रहे हैं, तो चलो मिलते हैं सीधा घर में और रूम। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग एक ऑनलाइन शॉप पर आए हैं, तो सर कुछ ऑनलाइन कार्य करा रहा है, कुछ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वही शॉप में आए हैं। तो खड़े हैं अभी हम लोग बाहर, सर जी अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं सर। तो सर जी इस वाली दुकान पर अपना फॉर्म को ऑनलाइन करा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का ऑनलाइन करा रहा है फिर पता नहीं है हम लोगों को। तो देख सकते हो काफ़ी कुछ इस तरह से है, तो उसके आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। बाहर में हैं, अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, इसलिए बाहर में आके बाइक के पास खड़े हुए हैं राम भाई के साथ। तो उसके आने का वेट कर रहे हैं अभी हम लोग, पता नहीं कितना टाइम उसका फॉर्म डल पाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे।
लेट हो रहा था उसके फॉर्म डालने में, तो हम लोग उसको छोड़ के आ गए हैं शॉप पर। और अभी हम लोग एक दीदी के रूम जा रहे हैं और वहाँ से सीधा फिर हॉस्टल जाएंगे। गाइस अभी हम लोग घूम ही रहे हैं, फिर से रूम से आके फिर से आ गए हैं मार्केट अंदर, और राम भाई के लिए कुछ सामान भी लेना है। फिर से आ गए हैं और अभी जा रहे हैं कपड़े की दुकान, वहाँ पर लेंगे कपड़े वगैरह। चलते हैं इसके बाद फिर से घर। गाइस अभी सिग्नल बंद हो चुका है, पहले इसको ऑन होने देते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। A few moments later, ऑन हो गया गाइस, अब चलो चलते हैं। तो अभी राम भाई दुकान के अंदर गया है कुछ टी शर्ट लेने के लिए, उसके पास नहीं था तो वही गया है। और मैं यहाँ पर गाड़ी के पास खड़ा हूँ क्योंकि सामान भी रखा हुआ है डिक्की में, इसलिए इसके गाड़ी के पास में खड़ा हूँ। और जब तक वो आ जाते हैं उसका वेट करता हूँ मैं। और सामने में जस्ट बस स्टैंड है इधर कवर्धा का, और अभी शाम का 7 बज चुके हैं करीबन। और हम लोग एक बार फिर से रूम से जाकर फिर से इधर आए हैं सामान खरीदने के लिए, क्योंकि इतना टाइम हम लोग भूल गए थे लेने के लिए। तो फिर से रूम में जाने के बाद फिर से आ गए, तो 2 राउंड हो गया हम लोगों को। तो सामान तो ले लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। चलो चलते हैं अब। A few moments later. तो गाइस कल मैं इस वीडियो को एंड करना भूल गया था, तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल में नए गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना गाइस, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा कोई भी वीडियो देखने में मिस न करें गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ इसी प्रकार के और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दी गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।